मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर शनिवार को सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। इसी कड़ी में हर घर नल से जल के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया। हर घर को नल से जल पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना को हरियाणा ने 2022 में पूरा कर लिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश में पहला बड़ा राज्य बन गया है। हर प्रदेश में पानी का जो मुहिम ली है हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था, लेकिन जो शेष बचे हुए थे इन वर्षों में जब से ये 2016 से योजना शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में बाढ़ के ताजा हालातों की भी जानकारी दी। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है, राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है, लेकिन लगातार पीछे से पानी खेतों में जो था उसको घग्गर में डालते हुए और अभी इस एरिया में पानी और एक आध दिन लगेगा जब इसमें लेवल इसका कम होगा। बाकी जो हरियाणा के शेष जिले 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे, जिसमें से 10 जिलों का पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी निकला नहीं है उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। खेतों को भी जो नुकसान हुआ है उसमें जहां बिजाई दोबारा हो सकेगी किसान बाब द्वारा बिजाई अपनी करेंगे और जिनमें बिजाई नहीं हो सकेगी उन सबको उनके नुकसान का मुआवजा ये सब दिया जाएगा। हमने जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी सबकी भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी मुआवजा घोषित किया है कि जो हमारे बीच में लोग नहीं रहे, बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई त्रेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। काबिले गौर है कि सीएम की विशेष चर्चा में मुख्यमंत्री जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं वहीं लोगों से योजनाओं का फीडबैक लेते हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की चूक या कमी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।